आज का दिन सरकार और विपक्ष दोनों के लिए बेहद अहम है और सवाल है कि क्या कोयला घोटाले की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को सौंपने से पहले सीबीआई को इसे सरकार से साझा करना चाहिए था। सरकार इस सवाल पर संसद में आ गई है और आज उसकी मुश्किलें बढ़ा सकता है सुप्रीम कोर्ट भी। सीबीआई का हलफनामा पेश होने के बाद सुप्रीम कोर्ट आज उसकी रिपोर्ट पर सुनवाई करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर आज सबकी नजर है क्योंकि सवाल सरकार की साख का है। देश की सबसे बड़ी अदालत आज कोयला घोटाले को लेकर सीबीआई की उस स्टेटस रिपोर्ट की सुनवाई करेगी जिसमें सरकारी हस्तक्षेप की बात सामने आ चुकी है। खबर है कि कोयला घोटाले पर सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में पहले कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने बदलाव किया और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय और कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जांच रिपोर्ट में कहां कहां बदलाव हुए हैं। सबूत के तौर पर सीबीआई ने सर्वोच्च अदालत में ओरिजिनल और बदली हुई दोनों रिपोर्ट सौंपी है। कोयला घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में 6 मार्च को पहली स्टेटस रिपोर्ट सौंपी थी और 26 अप्रैल को सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा के हलफनामे के साथ अदालत को दूसरी स्टेटस रिपोर्ट दी गई। सूत्रों के मुताबिक पहली रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट को देखने पर पता चलता है कि करीब 15 से 20% तक बदलाव किए गए हैं। आज की अहम सुनवाई से पहले सरकार के खेमे में इस बात को लेकर माथापच्ची जारी है कि अदालत में क्या जवाब दिया जाएगा। इसी हफ्ते अटॉर्नी जनरल जीई वाहनवती ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। दोनों के बीच क्या बात हुई, माना जा रहा है कि चर्चा का विषय यही रहा होगा कि कोर्ट में क्या कहना है। 3 जजों की बेंच आज जब सर्वोच्च अदालत में बैठेगी तो सबका ध्यान उसके शब्दों पर होगा और हो सकता है कि सरकार के खिलाफ कोई सख्त टिप्पणी सामने आए। हो सकता है कि जज कानून मंत्री के खिलाफ कोई बड़ी बात बोल जाए। अगर अदालत कुछ ऐसा बोल देती है जिसके बाद अश्विनी कुमार की रक्षा करने में सरकार खुद को लाचार महसूस करने लगे तो फिर इंतजार करना होगा मनमोहन सिंह के बयान का, जो कानून मंत्री का कवच बनते हुए पहले ही कह चुके हैं कि इस्तीफे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। धीरेन्द्र पुंडीर, दिल्ली आज तक।